नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 टैबलेट्स के बारे में कि इंडिया के अंदर कौन सी हैं टॉप 10 टैबलेट्स जिनको आप परचेस कर सकते हैं अपने अलग अलग कामों के लिए। चाहे तो आपको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए टैबलेट चाहिए, चाहे तो यहाँ पर आपको स्टडी पर्पस के लिए टैबलेट चाहिए, या फिर आपको अलग अलग किसी भी काम के लिए बेसिकली टैबलेट को चाहिए, ट्रेडिंग वगैरह और भी काफ़ी सारे काम लोग टैबलेट्स में करते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट लिस्ट होने वाली है टॉप 10 टैबलेट्स की, और सारी की सारी ब्रांड्स ऑलमोस्ट मैंने कवर अप कर दी हैं, तो आप वीडियो को एंजॉय करें आराम से। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर 10 नंबर से बेसिकली कि यहाँ पर 10 से लेकर हम 1 तक देखेंगे कौन कौन सी टैबलेट्स आती हैं। तो यहाँ पर मैंने रखा है 10 नंबर पर हाल ही में ही लॉन्च हुई टैबलेट लिनोवो टैब M11 को। दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट्स है, भले ये 10 नंबर पर रखी है लेकिन उसका कारण है भले, लेकिन ओवरऑल क्योंकि मैंने यहाँ पर जो फैक्टर्स रखे हैं वो ये है कि वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए टैबलेट, साथ में ये है कि प्रोसेसर वगैरह परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी हो, तो उस नंबर पर मैंने रैंकिंग की है। तो इसी हिसाब से पहले मैं 10 नंबर की टैबलेट की बात कर रहा हूँ जो कि खुद में काफ़ी अच्छी है। तो ऐसा मत समझिएगा 10 मतलब लो, लेकिन ये है कि रैंकिंग वाइज। तो यहाँ पर सबसे बड़ी टैबलेट है लिनोवो टैब M11, हाल ही में ही लॉन्च हुई टैबलेट है, बेस्ट टैबलेट आपको देखने को मिल जाती है अंडर 20,000 रुपीज़ जिन लोगों को एक्टिव पेन चाहिए नोट्स वगैरह बनाने हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा, थोड़ी सी डिटेल्स दूंगा कि यहाँ पर आपको 10.95 इंच की फ्लैश डी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, यहाँ पर G88 प्रोसेसर देखने को मिलता है, एक्टिव पेन इनबॉक्स ही देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप ड्रॉइंग नोट्स वगैरह बना सकते हैं, अच्छी खासी बैटरी है 7000 mAh की अप्रोक्स, ओवरऑल काफ़ी बढ़िया टैबलेट देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ तो अप्रोक्स 20,000 रुपीज़ में टैबलेट आ जाती है, वाईफाई प्लस 4G। तो ये दोस्तों 10 नंबर पर थी टैबलेट जो कि इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट आ गई है। अब बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ, तो 9 नंबर पे मैंने रखा है Realme Pad 2 को। दोस्तों Realme Pad 2 के अंदर सिर्फ एक ही कमी है कि वहाँ पर एक्टिव पेन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, इसके अलावा फास्ट चार्जिंग के साथ और अपनी यहाँ पर ओवरऑल सारी स्पेसिफिकेशन को देखें, इनकी UI के अंदर जो फीचर्स देखने को मिलते हैं उनके हिसाब से काफ़ी बढ़िया ये टैबलेट है। तो यहाँ पर आपको चार्जिंग, यहाँ पर 11.5 इंच की बेसिकली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, G99 प्रोसेसर है, हाई क्वालिटी चार्जिंग यहाँ पर 33 वॉट की देखने को मिलती है। तो Realme Pad 2 यहाँ पर काफ़ी अच्छी चॉइस है, तो ये भी टॉप 10 टैबलेट्स के अंदर अपनी जगह बनाता है, तो ये टैबलेट भी आप खरीद सकते हैं। इन सारी टैबलेट्स के लिंक में लिस्ट आपको लिंक और लिस्ट दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इस तरीके से यहां पर इन टैबलेट्स को चेकआउट कर सके। अब बढ़ते हैं यहां पर अपनी यहां पर 8 नंबर टैबलेट की तरफ, तो 8 नंबर पर रखी है मैंने ओनर पैड X9। दोस्तों आप में से जो लोग टैबलेट्स वगैरह फॉलो करते हैं उनको पता होगा ओनर पैड X9 एक काफी जबरदस्त टैबलेट है अपनी डिस्प्ले की वजह से, क्योंकि यहां पर आपको कम प्राइस में 11.5 इंच की एक 2K और काफी हाई क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर भी यहाँ पर शानदार है जिसकी वजह से बैटरी लाइफ भी यहाँ पर अच्छी हो जाती है, स्नैपड्रैगन 685 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ये 8 नंबर पर हमने इसको रखा है। 7 नंबर टैबलेट की बात करें तो ये भी अगेन ओनर की तरफ से ही है कि यहाँ पर आपको ओनर ने अभी न्यू लॉन्च की है ओनर पैड 9, जो कि दोस्तों एक अच्छी टैबलेट है, बस इसके अंदर 5G वगैरह नहीं है, बाकी ये अगर हम देखें ओवरऑल डिस्प्ले इसकी, इसका प्रोसेसर, ओवरऑल सारी चीज़ें तो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर आपको 12.1 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, बड़ी डिस्प्ले है और काफ़ी ज़बरदस्त टैबलेट ये आपको देखने को मिल जाती है। टॉप 10 टैबलेट्स में वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट आपको मैं कहूँगा। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 6 Zen 1 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, तो ये आपको 7 नंबर की टैबलेट है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 6 नंबर टैबलेट की तरफ, तो ये मैंने यहाँ पर रखी है सैमसंग की गैलेक्सी S7 फैन एडिशन। ये टैबलेट दोस्तों थोड़ी सी पुरानी है लेकिन मैं कहूँगा कि काफ़ी बढ़िया टैबलेट ओवरऑल देखने को मिल जाती है। बढ़िया क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर ना सैमसंग का डेस्क का सपोर्ट देखने को मिलता है। वो क्या होता है, जब आप इसको अपना टाइप सी पोर्ट के थ्रू प्लग इन करेंगे अपने मॉनिटर वगैरह में तो एज ए ये कंप्यूटर बन जाएगा पूरा का पूरा। तो ये सैमसंग डेस्क का फीचर यहाँ पर दिया गया, इस वजह से ये टैबलेट काफ़ी बढ़िया है। बाकी इसके अलावा और भी फीचर्स इसमें ज़बरदस्त है। 12.4 इंच की यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि अपने आप में यूनिक है, साथ में यहाँ पर आपको 778G प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो अच्छी खासी यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। एक्टिव पेन इनबॉक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जिससे आप ड्राइंग नोट्स वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 6 नंबर पर मैंने इस टैबलेट को रखा है टॉप 10 टैबलेट्स की लिस्ट में। यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S7 FE अपना यहाँ पर जगह जरूर बनाती है। इसके अलावा काफ़ी लोग S6 लाइट टैबलेट आती है 20,000 रुपीज़ में, उसको अच्छा बताते हैं लेकिन चूंकि वो पुरानी हो गई है तो मैंने उसको लिस्ट में शामिल नहीं किया है। मेरे हिसाब से ये वाली टैबलेट ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन S6 लाइट भी आप परचेस कर सकते हैं अगर आपको करनी है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अपनी लिस्ट में नंबर 5 टैबलेट की तरफ, तो नंबर 5 पे मैंने रखा है वन प्लस पैड को।
नो डाउट वन प्लस पैड इज एक किलर टैबलेट, बट यहाँ पर क्या है कि अभी ना सॉफ्टवेयर को लेकर काफ़ी काम करना बाकी है। इसके अलावा यहाँ पर फास्ट चार्जिंग जबरदस्त है, 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग इनसेन है, जो कि किसी और टैबलेट में जल्दी से देखने को नहीं मिलती है। साथ में यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर है वो डायमेंसिटी का 9000 CPU दिया गया है, जो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के बराबर पावरफुल है, यानी कि कोई भी टास्क करो, चाहे तो वीडियो एडिटिंग, गेमिंग वगैरह, तो आप इंजॉय कर सकते हैं। 11.61 इंच की 3K डिस्प्ले है, ओवरऑल काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म फैक्टर है, बढ़िया सारी चीज़ें बढ़िया है। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो लगभग ये 35,000 रुपीज़ में देखने को मिल जाती है, तो ये हमारी टैबलेट्स की लिस्ट में यहाँ पर बेसिकली 5वें नंबर पर आती है, काफ़ी बढ़िया टैबलेट है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 4th नंबर टैबलेट की तरफ, जो कि लिनोवो की तरफ से देखने को मिलती है, जिसका नाम है लिनोवो टैब P12। अपने आप के मतलब अपने आप में अगर देखो तो लिनोवो की टैबलेट्स आजकल काफ़ी अच्छी आ रही हैं, सारी किसी एक की तारीफ नहीं कर सकते, लेकिन मैंने इसको शामिल किया है क्योंकि ट्रू एंटरटेनमेंट पैकेज है पहली बार तो। दूसरा यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो भाई मतलब अलग ही लेवल की है, 12.7 इंच की यहाँ पर 3K डिस्प्ले है और काफ़ी हाई रिजोल्यूशन पैनल है, आप इसको नॉर्मल मत समझिएगा, काफ़ी ज़बरदस्त IPS क्वालिटी है इसमें, IPS क्वालिटी की बेसिकली डिस्प्ले है, और इसका जो कलर्स हैं सारी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लेवल की है। स्पीकर्स वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त है, इवन ये गेमिंग के लिए भी बनी है। यहाँ पर आपको डायमेंसिटी का 7050 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी पावरफुल है। एक्टिव पेन का सपोर्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। ओवरऑल काफ़ी एक बड़ी डिस्प्ले वाली टैबलेट देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी एंटरटेनमेंट पैकेज है, तो इसको मैंने यहाँ पर 4th नंबर पर रखा है। 3rd नंबर पर मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है लिनोवो की एक और टैबलेट को। अगर किसी को 5G टैबलेट चाहिए तो ये सस्ते में सबसे ज़्यादा लिनोवो दे रहा है, तो इसी वजह से मैंने इसको 3rd नंबर पर रखा है। इसका नाम देखने को मिलता है लिनोवो टैब M10 5G। ये दोस्तों आपको एक्टिव पेन के सपोर्ट के साथ भी देखने को मिलती है, साथ में यहाँ पर आपको 10.6 इंच की यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर है, साथ में यहाँ पर आपको 5G का सपोर्ट तो देखने को मिलता ही है, 7000 mAh की यहाँ पर अप्रोक्स बैटरी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल काफ़ी ज़बरदस्त टैबलेट है, तो ये हमारी लिस्ट में आती है 3rd नंबर पर। अब बढ़ते हैं यहाँ पर, फाइनली 2 टैबलेट्स रह गई हैं, तो 2nd नंबर पर रखा है मैंने एंड्रॉयड में आने वाली सबसे कम प्राइस में और सबसे पावरफुल टैबलेट, इसी वजह से मैंने इसको 2nd नंबर पर रखा है, क्योंकि इसकी एक तो प्राइसिंग कम है तो उस वजह से इसको रखना जरूरी था, और दूसरा ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टैबलेट है एंड्रॉयड सेगमेंट में। साथ में यहाँ पर आपको एक्टिव पेन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले क्वालिटी भी ज़बरदस्त है। नाम बता देता हूँ फाइनली, आपने गैस भी कर लिया होगा, Xiaomi Pad 6 11 इंच की बढ़िया डिस्प्ले के साथ में आपको देखने को मिलता है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। प्रोसेसर की बात करूँ तो स्नैपड्रैगन का 870 प्रोसेसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, फ्लेक्सी SoC है, कोई भी लैक्सेटर्स देखने को नहीं मिलते, काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि बताया एक्टिव पेन का सपोर्ट देखने को मिलता है। प्राइस की बात करूँ तो 25,000 रुपये में टैबलेट देखने को मिल जाती है, और कई बार ऑफर्स डिस्काउंट्स के साथ ये टैबलेट मात्र आपको 21,000 रुपीज़ में देखने को भी मिल जाती है, जो कि अपने आप में ज़बरदस्त है। 21 से 22 में चली जाती है, कभी यहाँ पर 25 में मिल जाती है, तो यार उस प्राइस रेंज में कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता इस टैबलेट को, इसलिए मैंने इसको 2nd नंबर पर रखा है। बात करते हैं 1st टैबलेट की, कौन सी होगी, आपको पता ही है सभी को, iPad। क्योंकि दोस्तों iPad अभी 9 जनरेशन जब सस्ती प्राइस पर बिकाना तो मतलब ज़बरदस्त है ये iPad 9 जनरेशन को, आप ये नहीं कह सकते ख़राब है, भले वो पुराना है लेकिन कोई भी एंड्रॉयड टैबलेट से उसका कंपटीशन करा लो किसी भी टर्म्स में, वो ऑलमोस्ट आपको मतलब मेजोरिटी में विन कर जाएगा। भले उसकी डिस्प्ले थोड़ी सी आपको बड़ी वेजल्स के साथ ट्रेडिशनल लगती हो, लेकिन ये है कि बाकी उसके अंदर जो प्रोसेसर है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं, एप्लीकेशन का सपोर्ट है, सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी है। साथ में उसका एक्टिव पेन मात्र 1500 से स्टार्ट हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें उसको कहीं ना कहीं यूनिक बनाती हैं। तो iPad 9 जनरेशन को हमने 1st नंबर पर यहाँ पर रखा है, और इसकी प्राइसिंग आजकल 25,000 रुपीज़ में आराम से मिल जाता है, तो स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। साथ में वैल्यू फॉर मनी भी है, पावरफुल भी है, कोई भी यहाँ पर गेम्स चलाओ, वीडियो एडिटिंग करो, कुछ भी करो, तो सारी चीज़ें मैच करता है, इसीलिए 1st नंबर पर है, और इसकी प्राइसिंग समटाइम्स 25K यानी 25,000 से नीचे भी चली जाती है। बाकी इसके अलावा दोस्तों iPad 10 जनरेशन ज़बरदस्त है, 36,000 में मिलता है। iPad यहाँ पर Air 5th जनरेशन जो कि 50,000 रुपीज़ में मिलता है, ज़बरदस्त है। बाकी इससे ऊपर की टैबलेट्स मैंने इसलिए शामिल नहीं की क्योंकि आपको पता ही है जिनको महंगी टैबलेट लेना होता है या तो वो सैमसंग लेते हैं या फिर iPad लेते हैं, तो S9 सीरीज ले लो सैमसंग की अगर किसी को चाहिए तो। इसके अलावा यहाँ पर iPad की तो मैंने ऑप्शन है ही 5th जनरेशन 10th जनरेशन का।
तो इसीलिए मैंने शामिल नहीं किया है। लेकिन इसके अलावा ये ही जो मैंने लिस्ट बताई, अगर आप किसी भी टेक यूट्यूबर की वीडियो देखेंगे या कुछ भी देखेंगे तो इन्हीं को रिकमेंड किया जाता है। ये है इंडिया में आने वाली टॉप 10 बेस्ट टैबलेट्स। इनमें से कौन सी आपके पास है, कौन सी आप लेना चाहते हैं, कौन सी आपकी फेवरेट है, डिस्क्रिप्शन में तो लिंक देखने को मिलेंगे, लेकिन आप कमेंट करके मुझे बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसे ही टैबलेट्स रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए। थैंक यू सो मच।